जी करे नी हथवा जोड़ बिनती सुल्ला मैया मोर अपन अचरा हो अपन अचरा ओढ़ा दासी सवा के मैया गायक बना दासी सवा के हाँ कौन बाड़ू चूर क के पैसा पर गुरूर कौनो ऐठल हो कौनो ऐठल छोड़ा हदी जवनिया में प्रणाम हम बानी रामचंद्र यादव रउवा सब देख रहल बानी प्लानेट भोजपुरी गायकी के क्षेत्र की बात कही जाए तो जैसे कि बड़का स्टार बने अपन भोजपुरी सिनेमा के आइकॉन बने पवन सिंह जी खेसारी लाल जी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ऐसे ही के नक्शे कदम पे एगो और स्टार उदय के रास्ते पे चल निकल बाटे जिनका नाम बाटे आशीष यादव आशीष राजा के नाम से बहुत जल्दी ही कम समय में फेमस हो गए बने आ इनका से बात करी जाए आशीष जी आज आपके एक और नया कदम आगे बढ़ल बाटे और जैमें प्याराल कवि जी जो कि सारे जो गायक बने जो है जो स्टार गायक बाने चाहे बिरहा गायक के या सिंगर बाने जो भोजपुरी सिनेमा ग्राहक बने उनका आशीष और आशीर्वाद पे आएल कवि जी के जरूर मिलेगा वो आशीर्वाद आज आपके भी प्राप्त हो गई का कह चाह नहीं हम तक नमस्कार प्रणाम हम आशीष राव राजा प्लान देखने वाले सभी श्रोता बंधु लोग को शेष विशेष एक ही चीज़ में मैं हर बार बोलता हूँ और इस बार बोलूँगा कि जैसे कि मैं बाकी चीज़ों में काम करता था इवेंट्स वगैरह में करता था फिल्मों में जो भी मैं रोल किया छोटा मोटा आप लोगों ने प्यार दिया तो गायक के रूप में जो मुझे आप लोग प्यार देते हैं बहुत खुशी मुझे मिलती है कि नहीं आप लोग एक एक्टर को गायक बनाए हैं तो ये प्यार दुलार का आभारी मैं हमेशा आप लोग का रहूँगा क्योंकि मैंने बताया मैं आज से नहीं आ, अकेले में रहूं या समाज के बीच में रहूं तो एक ही चीज़ में बोलता हूं और जिनकी नकल मेरी भूमिका है जिनके साथ में मैं आज उपस्थित हूं हर एक चीज़ में रहूं ना रहूं आ, सब गुरु जी से सीखता हूं तो मैं चाहूंगा कि गुरु जी ही बताएंगे आज जो भी मैं हूं इन्हीं के श्रे पे आज दस मिनट मिलता हूं पाँच मिनट मिलता हूं उसमें चाहता हूं मैं गुरु जी से कुछ ना कुछ सीखूँ जी आप क्या कह चाहते मैं तो लगभग जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं चाहे एक्टर हैं जिस लाइन में है फिल्म लाइन में है चाहे एल्बम लाइन में है चाहे विराह लाइन में है ये हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति पर एक बात लागू होती है कि कोशिश कर कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा मेहनत कर पौधों को पानी दे बंजर जमीन से भी फल निकलेगा यही सब लाइन जी आ, जैसे किन के आशीर्वाद के रूप में आपके अपन जो खुद का म्यूजिक कंपनी बाँटे और वो कंपनी के भी आशीर्वाद इनके मिल रहा है इनका सारा गाना आपके कंपनी के माध्यम से रिलीज हो जाए अच्छे से प्रमोशन हुई तो क्या कहे चाह हम चाहब कि हमारे कंपनी से ये लड़का का गाना निकला था या तथा हम के जाना था चाहे हमारे भाई छोट दिनेश लाल नेहुआ के जाना था चाहे पवन सिंह खेसारी लाल के जितना भी फाइन फॉलोवर हुए अगर वो लोग का आशीर्वाद वो लोग के मिलल है तो हमारे छोट शिष्य आशीष के भी सबका आशीर्वाद मिले के चाहिए हमारे चैनल के द्वारा अपने चैनल से जितना भी हो सकी अपने लेखनी से जितना भी हो सकी आशीष के हमारे मेहनत इनकर परिश्रम दोनों मिल के काम करी आप लोग का आशीर्वाद मिली आशीष भाई जैसे कि आप के ये हमको पता हो कि आप सबसे ज़्यादा दिनेश जी के फॉलो करें तो क्या कह उनके ऐसा क्या खासियत हो जो कि आपके इतना प्रभावित ले कि आप उनके हर नक्शे कदम पे एक, -एक पद पग पे उनका आप कदम पे नकल कर हुआ हाँ भैया बस यही चीज बताना चाहे कि भैया का जहाँ तक सवाल है भैया भी गुरुजी गुरु जी के शिष्य हैं और हम भी शिष्य हैं तो जो मट्टी की महक होती है जो हमारा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे आज हम लोग काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का जो एक गढ़ होता है हम कहते हैं अपने भोजपुरी के जगत गुरु मैं मानता हूँ गुरु जी को हम ही नहीं हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मानती है तो वो गुरु जी का अगर मुझ पर प्यार है अगर उन उनके साथ में मुझे काम करने उस कंपनी के द्वारा मेरा गाने को प्रमोशन या उस कंपनी पर मेरे गाने को लोगों को देखने का अवसर मिला मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिनको देख देख मैं इस लाइन में आया और इस लाइन का प्यार मुझे मिल है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नहीं आज मैं गुरु जी के साथ शामिल हूँ अरजी करें निहत हथवा जोड़ बिनती सुल्ला मैया मोर अरजी करे हथवा जोड़ बिनती सुल्ला मैया मोर अपन अचरा हो अपन अचरा ओढ़ा दिशा के मैया गायक बना दाशी सा के कहे प्यारे लाल आशीष राउर चरण में झुकी सी सुतल भ भगिया जगा आसी के मैया गायक बना दा आसी वाके मैं चाहूंगा ये गाना गाने का मेरा की मकसद था एक लोक गीत गाना था कवन नशा में बाड़ू चूर क के पैसा पर गुर पर गुरू हा कवन नशा में बाड़ू चूर कके पैसा पर गुर कौनो ऐठल हो कौनो ऐठल छोड़ा हदी जवनिया में हाँ जवनिया में हो जवनिया में हो जवनिया में कौनो छोड़ा दी जवनिया में ये गाना था इसी का अमेजिंग गाना ही मेरा भक्ति गाना था तो गुरु जी की लाइन सुनी थी तो वही लाइन को मैंने भक्ति हाँ मेरा ये कहना है कि पहले तो मैं उस लायक हूँ नहीं की मैं सर के साथ खड़ा हूँ और दिनेश जी की और ऐसे लोगों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके आशीष जी की वजह से आशीष जी ने मेरे को मौका दिया कि सर के सामने मैं खड़ा हूँ और कोशिश ये कर रहा कि मतलब कि भोजपुरी महीले के बाद जवन भी हमसे हो सकी और जौन भी एक्सपेक्ट करी है ऊपर हम खड़ा उतरब और ऐसे ही भोजपुरी में हमारे जो हमारे का जो मेन मकसद था कि भोजपुरी के लेके कई लोगों का ऐसा कि ये भोजपुरी गलत है भोजपुरी का थोड़ा नजरिया ऐसा हो लेकिन इकरे बाद जो दो में हमारे टीम द्वारा जो काम बहुत अच्छा हुई और लोग पसंद करिए सबसे पहले तो हम सबको प्रणाम करब और आज सबसे बड़ी खुशी के बात बा बहुत दिन से कि कभी जी हमारे साथ कब हैं और हम आप सबके चैनल के माध्यम से दिखा बहुत कामना रहा हम कभी जी के कई बार फोन भी कैनी और कभी जी के टाइम ना रह लेकिन हम आज कभी जी हमके आशीर्वाद एलें और आशीर्वाद के रूप में हम नहीं देता रहे आज तक नाम श्वेता स्वेता हम द्विवेदी तो दूबे द्विवेदी आगे नहीं लेकिन एक टाइटल हम सबसे चाहत वो टाइटल आज हम इनसे ले हम और कभी जी के कंपनी से हमारा नया एल्बम रिलीज भा हई देखी न्यू ईयर में राजा आशीष के सम्मान सरकारी बा तो आप लोग ये जानब कि ये पहला एल्बम जो 2017 में लास्ट में आई और कवि जी के कंपनी से रिलीज होल हम चाहते नहीं कि जो नहीं दो के सबसे पहला एल्बम बा जिनका इतना प्यार दुलार मिलल बा नमस्कार मैं आज जी पहले तो भोजपु सॉरी प्लेनेट भोजपुरी देखने सभी श्रोता बंधु को मेरा नमस्कार मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे सब दिनेश भैया को पवन मतलब पवन भैया को सबको आशीर्वाद दिए तो इसी तरह इनको भी आशीर्वाद दे किए थोड़े और अच्छे पे पाए प्लैनेट भोजपुरी